Hi friends, this is Jyoti from Jyothi Rani and welcome back to my channel. Hope so, आप लोग सब अच्छे होंगे और आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ. तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ इंस्पायर्ड मेक सलीना गोम का. तो होप सो मैंने ये जो अभी मैंने वियर किया हुआ मेकअप ये उनका इंस्पायर्ड लुक है. तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो मैं यहाँ पे अपना CTM प्रोसेस कर चुकी हूँ और मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल नहीं यूज़ कर रही हूँ. यहाँ पे मैं वाटरमेलन जेल यूज़ कर रही हूँ एज ए प्राइमर. तो ये गुड वाइब्स का वाटरमेलन जेल है जो मैं एज ए प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ठंडक देता है हमारे फेस को लगाने के बाद. तो मुझे बहुत पसंद आया ये जेल. अब मैं यहाँ पर एसक्यू का लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करूँगी. जैसा कि आपको पता है मैंने बहुत सारे वीडियो में यही फाउंडेशन आजकल यूज़ कर रही हूँ और इसे ब्लेंड करूँगी मैं अपने हाथ से ही क्योंकि ये हाथ से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. तो मैं हाथ से ही इसे ब्लेंड करूँगी. आपको अच्छे से ब्लेंड करना है. ब्लेंड करने में अच्छा टाइम देना है क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होगी तो आपका कवरेज बहुत अच्छा आएगा. तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है फाउंडेशन. अब मैं इसे सेट करूँगी NYBA का कॉम्पैक्ट पाउडर से. आप चाहें तो लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी वाइली स्किन है. तो मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है तो मैं यहाँ पे NYBA का कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ. गर्मी बहुत है तो सेट करना तो बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स. और ये केन 2019 का सलीना गोमेज का इंस्पायर्ड मेकअप लुक है. और यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का लैक्मी का आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ. हल्का हल्का ही फील करूँगी. उनका आईब्रो उतना कुछ फील किया हुआ नहीं था. एकदम अच्छे से पार्ट बाय पार्ट उनका आईब्रो दिख रहा है. तो मैं भी थोड़ा सा फील करने के बाद इस ब्रश से कॉम्ब कर लूँगी अच्छे से अपने आईब्रो को तब तो कि मेरा भी जितना आईब्रो है अच्छे से दिखे पार्ट बाय पार्ट. तो मैंने कॉम्ब कर लिया है. मैं यहाँ पे कुछ ढूंढ रही थी. क्या ढूंढ रही थी? हाँ, NYBA का रेड कलर का लिपस्टिक ढूंढ रही थी जो मुझे मिल गया. उन्होंने रेड कलर का लिपस्टिक लगाया है तो मैं भी यहाँ पे रेड कलर का लगा रही हूँ एकदम हॉट रेड. तो देखिए मैंने लगा लिया. अब मैं सेम लिपस्टिक को एज ए ब्लश भी लगाऊंगी. मैं ब्लश यूज़ नहीं कर रही हूँ यहाँ पे. मैं सेम लिपस्टिक को एज ए ब्लश लगा रही हूँ और हाथ से ही ऐसे ब्लेंड कर ले रही हूँ. और हाथ से ब्लेंड करने के बाद मैं इसे ब्रश से थोड़े अच्छे से मतलब मिला लूँगी. ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी ताकि एक अच्छा कवरेज आ जाए. अब मैं अपना आई मेकअप करूँगी. तो उनके आई मेकअप में कुछ भी आई शैडो नहीं है. एसक्यू का आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ. सिर्फ एक थिक बोल्ड आई लाइनर उन्होंने लगाया है तो मैं भी थिक बोल्ड आई लाइनर ही लगाऊँगी. तो मैं ये एसक्यू का आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ विंग आई लाइनर ड्रा करने के लिए. तो मैं सिर्फ साइड में विंग इससे ड्रा करूँगी और बीच में फिल करूँगी. मैं अपना कॉस्मिको का काजल है उसे थोड़ा बीच में फिल करूँगी और इसे बस थोड़ा थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे का विंग बनाऊंगी बस विद द हेल्प ऑफ दिस एसक्यू आईलाइनर. तो मैं ऐसे ही करूंगी. देखिए मैंने कर लिया है. मैं एसक्यू का काजल लेके बीच में फिल करूंगी क्योंकि बीच में उनका मोटा है और वैसे ही मोटापा मैं भरते जाऊंगी अपने काजल से ही. तो मैं दोनों को यूज़ करके मैंने वो विंग आईलाइनर ड्रॉ किया है तो अच्छे से मेरा हो गया सेम आया उभर के. मैंने विंग आईलाइनर ड्रॉ कर लिया विद द हेल्प ऑफ आईलाइनर एंड काजल. अब मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने कोई काजल यूज़ नहीं किया है तो और ना ही कोई फॉल्स आईलैसेस लगाए हैं. तो मैं भी यहाँ पे कोई फॉल्स आईलैसेस या काजल यूज़ नहीं कर रही हूँ. मस्कारा यूज़ कर रही हूँ तो मैं मस्कारा यूज़ कर ले रही हूँ यहाँ पे. तो मेरा मस्कारा हो गया. अब मैं यहाँ पे सिमर पाउडर यूज़ करूँगी एज ए हाइलाइटर क्योंकि मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ नहीं कर रही. सिमर पाउडर को ही यूज़ करूँगी एज ए हाइलाइटर. मुझे ये ज़्यादा पसंद है. थोड़ा पिंकिश देता है और थोड़ा इसका ग्लिटर है तो ज़्यादा चंकी आ जाता है फेस पे. तो वैसा ही उनका थोड़ा फेस है तो मैंने लगा लिया. फिर उसके बाद ब्रश से इसे मिला लूँगी. तो ये मेरा फाइनल लुक है
वाला फ्रेंड जो मैंने क्रिएट किया आप लोग के सामने, कुछ अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके, मेरे पास कोई महंगे प्रोडक्ट नहीं है, मैं अफोर्डेबल प्रोडक्ट, सस्ते प्रोडक्ट यूज़ करके मैंने ये मेकअप क्रिएट किया है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके आप लोगों को ऐसा लगा ये मेरा मेकअप लुक। तो मुझे तो जो भी मैंने कैप्चर किया उनके फ़ोटो से, उस नॉलेज मैंने इकट्ठा किया, उसी के थ्रू मैंने ये क्रिएट किया है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो लाइक तो कर ही दीजिएगा मेरे वीडियो को, और जो मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपको बजाना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ो नहीं बजाओगे तो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो आप मेरे वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो देख नहीं पाओगे। तो प्लीज़ बजा देना, और यही था कहना। होप सो आप लोग को अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल देन बाय बाय। एंड फिर मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, अच्छे वीडियो के साथ, तब तक मेरा वेट कीजिए। बाय।